हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडियक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका नवंबर 1 से लेके नवंबर 15, 2021 के लिए। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। इस रीडिंग के बारे में जितना भी टाइम स्टैम्प्स इन्फॉर्मेशन होगा वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आप कोई भी पार्ट अगर स्किप करना चाहते हो या पहले देखना चाहते हो इस रीडिंग का, तो आप वो कर सकते हो टाइम स्टैम्प्स के थ्रू, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट पाइसीज। पहले हम लोग देखेंगे आपका यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है, उसके बाद देखेंगे आपका लव सिचुएशन एंड देन योर करियर एंड योर फाइनेंसेस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी व्हाट डू वी हैव फॉर माय पाइसीज आउट देयर। स्पिरिट, व्हाट डू वी हैव फॉर माय पाइसीज आउट देयर। ओके, वी हैव ईगल कम्युनियन, इंटरेस्टिंग Pisces out there. Okay, we have iceberg submerged, volcano volat. Okay, Pisces. So what we definitely see here. सबसे बड़ा जो मैसेज है यहाँ पे, that is things coming out. Things coming out. फॉर सम ऑफ़ यू आई कैन सी दैट आपको इन्फॉर्मेशन्स मिल रहा है किसी सिचुएशन के बारे में जो हिडन है आपसे इस वक्त, जो आपको पता नहीं है, जो हिडन है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो या आप पता लगाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो। सो द क्लियर थिंग इज़ दैट या तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, या कोई आके आपसे कुछ कह रहा है, या आप खुद फाइंड आउट कर रहे हो। ऑल्सो ये इन्फॉर्मेशन आपके खुद के रियलाइजेशंस हो सकते हैं, कि आप किसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि इसका सीक्रेट क्या है, या मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था, या फिर आपका लाइफ पर्पस क्या है मे बी, या आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका एक्चुअल टैलेंट क्या है, या क्या करने से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो ऑल दैट स्टफ़ यू नो, सो जो भी चीज़ आपसे छुपा हुआ है इस वक्त, या फिर आपको लगता है आपसे छुपा हुआ है, अगर आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ें आई कैन सी कमिंग टू द सर्फेस, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ समथिंग जो काइंड ऑफ आपके पूरे सिचुएशन को हिला के रख सकता है, बट इन अ गुड वे। इन अ गुड वे इसलिए क्योंकि विद दिस एनर्जी आई फील दैट ये जो भी है ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जानना। एंड ये कुछ भी नेगेटिव नहीं है, या इसको जानने से ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ऐसे मत समझना। दिस इज़ समथिंग जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके करियर के लिए हो सकता है, आपके फाइनेंसिस के लिए, आपके लव सिचुएशन, आपका हेल्थ, आपका रोज़ का जो लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, आपकी फैमिली। सो समथिंग जो बाहर आ रहा है, जिसको बहुत ही पहले में भी बाहर आना चाहिए था, बट डिवाइन टाइमिंग एक चीज़ होती है जो काम कर रहा है सिचुएशन में, ठीक है। सो इस वक्त आपको ये जो भी लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है, या मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, या फिर ये जो भी हुआ ये क्यों हुआ, या मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मे बी आप यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हो, मे बी आप लोगों से पूछ रहे हो, या कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो पाइसीज, दैट आखिर मेरा स्टोरी क्या है, आखिर मेरा सक्सेस कहाँ है, आखिर वो कौन पर्सन है, या जो भी ये सवाल है, आई कैन सी एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज बोल सकते हो, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, बहुत बड़ा खुलासा आप बोल सकते हो, समथिंग दैट इज़ कमिंग फॉरवर्ड। एंड इसके सामने आने से आपका पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, लाइक 180 डिग्री चेंज, ठीक है, एंड पॉजिटिव चेंज, ठीक है। आपका लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको आप और भी आसानी से रिलीज़ कर पाओगे, उसको आप और भी आसानी से यू नो हैंडल कर पाओगे, बिकॉज़
ये जो भी सच है ये आपको पावर देगा, ये आपको स्ट्रेंथ देगा आगे बढ़ने में लाइफ में, ये आपको स्ट्रेंथ देगा कि आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाओ और भी अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओ एंड लाइफ में आगे बढ़ो। अगेन मैं कह दूँ, ये कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये सच या फिर ये खुलासा या फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिवली नहीं। ठीक है, ये किसी ही लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन हो सकता है। सो ये ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है एंड ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है पाइसेस। ठीक है, बट आई थिंक फाइनली एक डिवाइन टाइमिंग पे आके आप पहुँचे हो जहाँ पे कुछ आपके लिए जानना, रियलाइज़ करना या किसी चीज़ का सामने आना आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ आप ही सामने ला रहे हो, बट वो बहुत ही कम लोगों के लिए है। मैक्सिमम लोगों के लिए आई थिंक कुछ है जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, एक इन्फॉर्मेशन, एक रास्ता, कुछ खुलासा, कुछ सच। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग पाइसिस, लेट्स मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन। टाइम स्टैम्प्स वगैरह नीचे आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। सो आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हो या जो भी इन्फॉर्मेशन आप पहले चाहते हो आप देख सकते हो। ओके, पेज ऑफ कप्स, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर माय पाइसिस आउट देयर। आई एम हियरिंग अपोलॉजी, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक पाइसीज आप नेक्स्ट मंथ काइंड ऑफ वन फुट इन वन फुट आउट हो एंड ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, नॉट योर पर्सन। या नाइन ऑफ वॉन्स, आप किसी चीज़ को अप्रोच कर सकते हो नवंबर में, बट जैसे ही आप अप्रोच करते हो वैसे ही आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो या आप चुप हो रहे हो। मे बी आपको डर लग रहा है, मे बी आपको वो एंग्जाइटी हो रही है कि मैंने ये कह तो दिया बट इसका रिएक्शन क्या होगा। यू नो, वो रिस्की एक मैसेज जब कोई भेजता है, वो वाला सिचुएशन है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मे बी आप बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट मे बी एक से ज़्यादा लोग आपके लाइफ में है जो आप पे इंटरेस्ट रखते हैं या आपको जिन पे इंटरेस्ट है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है। बट जिन लोगों के लिए ऐसा है आपको ऑलरेडी पता है, सो डोंट वरी। बट पाइसिस आई थिंक आप काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ जा रहे हो, आप एक डिसीजन को लेके आप गोल गोल घूम रहे हो कि मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, करूँ या नहीं करूँ। मे बी आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो बट आप उतना ही पीछे आ रहे हो। आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो आप दो कदम पीछे आते हो। सो दिस इज़ द एनर्जी। आप काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ भी हो, आप ज़्यादा बात या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को काइंड ऑफ सीक्रेट ही रख रहे हो, ज़्यादा आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो। ऑल्सो आप डिसीजन लेना तो चाहते हो बट उस डिसीजन के पास आप गोल गोल घूम रहे हो, उस डिसीजन को लिए बगैर। डेफिनेटली यहाँ पे एक लव इंटरेस्ट है आपके आसपास, जो लोग सिंगल हो या आपके क्रश वगैरह हो सकते हैं या ये कोई रैंडम पर्सन हो सकता है जो आपको अच्छा लग गए, यू नो, अच्छे लग गए। बेसिकली आप कहीं पे जाओ एंड आप कहीं से मिलो, सोशल मीडिया वगैरह कहीं से भी, एंड ये पर्सन आपको अच्छे लगने लगे। बट मे बी आप उस डिसीजन पे जाके फंस जाओ कि आप रेडी हो या नहीं एक यू नो इमोशनल स्टार्ट के लिए, बिकॉज आई थिंक आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो या आप रेडी नहीं हो कि आप इमोशनली कुछ स्टार्ट करो। कुछ लोग यहाँ पे मे बी रिश्ते देख रहे हो फॉर मैरिज और समथिंग, आपको एक से ज़्यादा रिश्ता मिल सकता है जो आपको लगे सही है। बट आई थिंक नवंबर में आपके लिए कोई भी डिसीशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, या तो आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो इस डिसीशन को लेके, या फिर आप आज एक डिसीशन लेते हो तो आप परसों उस डिसीशन को चेंज कर देते हो। सो आई थिंक बहुत ही फ्रिकल माइंडेड फील कर सकते हो आप नवंबर में। आपको लगता है दैट आपका जो एनर्जी है या आपका जो इमोशन है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। सो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है पाइसिस, दैट आप अपने इमोशंस को स्टेबलाइज कर रहे हो, आप अपने डिसीशंस को स्टेबलाइज कर रहे हो। जो लोग किसी ब्रेकअप सिचुएशन से जा रहे हो, मे बी आपको एक दिन लग रहा है कि आप हील हो चुके हो या अच्छे से हील हो रहे हो, नेक्स्ट दिन आपको लग रहा है कि नहीं, यू आर अ मेस, एंड वो नॉर्मल है।
वो बहुत ही नॉर्मल है। हीलिंग जर्नी जो लोग जा रहे हो उस हीलिंग जर्नी के थ्रू, ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है। डोंट वरी, अपने आप को टाइम दो, पेशेंस रखो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। जो लोग ऐसे यू नो हीलिंग वगैरह में नहीं हो इस वक्त, आई कैन सी दैट आप बहुत ही फिकल माइंडेड हो। आपको यू नो सही से समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका इमोशन क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका क्या डिसीजन है। सो बहुत ही बैक एंड फोर्थ है, बहुत ही एक इन एंड आउट सिचुएशन है, जो मे बी आप खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे करके। सो कोशिश करो अपने एनर्जीज को स्टेबलाइज करने की, स्टेबली सोचने की, दैट आखिर आपका यू नो क्या चाहते हो आप, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर पाइसेस। एंड इट्स ओके, अपने आप पे ज़्यादा हार्श भी नहीं होना है कि मैं कंफ्यूज हूँ, ये है वो है, इट्स ओके, ये नेचुरल है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्टेबलाइज करोगे आपको ही बेटर लगेगा, आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो वही दूर होगा, राइट? सो ट्राई टू डू दैट। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आपके पर्सन का जो एनर्जी है यहाँ पे पाइसीज, दिस इज़ डेफिनेटली, आई थिंक आपके पर्सन भी काइंड ऑफ एक जगह पे आके रुके हुए हैं, एंड कहीं पे आप दोनों की एनर्जी काइंड ऑफ सेम है यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है आप दोनों के बीच में, बिकॉज आई कैन सी हियर दैट कोई यहाँ पे खुलासा चाहता है तो कोई यहाँ पे चुप है, या फिर आप में से कोई यहाँ पे डर रहा है सामने आने से, चीज़ों को फेस करने से। ठीक है, ये तो आपके आपके पर्सन, आई थिंक ये आपके पर्सन है जो काइंड ऑफ चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, काइंड ऑफ रियलिटी से भाग रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं, आई डोंट नो वाई। आपकी और आपकी पर्सन की एनर्जी काइंड ऑफ सिमिलर है पाइसीज, आप दोनों एक कदम आगे बढ़ा रहे हो तो दो कदम पीछे। आपके पर्सन भी इंटरेस्ट रख रहे हैं, बट आई थिंक वो इंटरेस्ट बहुत ही डर डर के रख रहे हैं कि मैं पाइसीज यू नो मैं पाइसीज को लाइक करता हूँ या करती हूँ या नहीं, बिकॉज़ अगर मैं करती हूँ शायद ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मेरी लाइफ में, तो ये डर गए, बस ख़त्म। बट अगर ये भी सोच रहे हैं कि यू नो क्या मैं पाइसी से बात करूँ, बट अगर मैं पाइसी से बात करूँ तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते। सो बेसिकली एनर्जी आपके पर्सन का ऐसा है दैट ये एक पॉजिटिव कुछ करना चाहते हैं तो ये दो नेगेटिव एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं उसमें, एक कदम ये सामने बढ़ाना चाहते हैं तो दो कदम ये पीछे जाना चाहते हैं। एक डर है, ये डर उनके खुद के अंदर से आ सकता है, उनके खुद के ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम से या पास्ट इशू से, जो भी है यू नो द ट्रॉमा और द अनहील्ड सिचुएशन, जो भी हीलिंग ये नहीं किए हैं, या फिर मे बी ये एक न्यू लव सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन जस्ट डर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। सो सिचुएशन जो भी क्यों ना हो, आपके पर्सन के साइड से एक डर है, एक काइंड ऑफ हेजिटेशन है, रुकावट है कि करूँ या ना करूँ। अगर मैं एक अच्छा काम करने गया तो मे बी चार बुरे सिचुएशन कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। सो वो एक सिचुएशन है जो आपके पर्सन को रोक के रखा है। आई थिंक थोड़ा बहुत आप यू नो उस चीज़ को आप खुद ही फील कर पा रहे हो एनर्जेटिकली, या फिर आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़, यू नो आप दोनों सेम चीज़ काइंड ऑफ चाहते हो। आप दोनों ही यहाँ पे आई डोंट फील आप बहुत ही डेस्परेट हो कि मुझे ये चाहिए एंड ये इतने टाइम के अंदर चाहिए, ये करना है। आई डोंट फील आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे डेस्परेट हो, बट आप काइंड ऑफ दोनों ही खुद का टाइम एंड कंफर्ट ले रहे हो डिसीजन पे आने में, या इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने में, या इस सिचुएशन को एंड करने में। ठीक है, सो आप दोनों अपना अपना स्वीट टाइम ले रहे हो, दोनों अपना अपना पेशेंस रख रहे हो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो आप भी काइंड ऑफ एक पॉइंट पे आके पीछे हट रहे हो, आपके पर्सन भी काइंड ऑफ एक पॉइंट पे आके पीछे हट रहे हैं, रीज़न कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई फील हियर पाइसीज। मैं अगर जोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई एनर्जी, या जेमिनाई एनर्जी एंड कैंसर एनर्जी फॉर सम ऑफ यू, बट एक ही डोमिनेंट आई थिंक जेमिनाई है यहाँ पे। ओके, बट इवन दो एनर्जीज डज नॉट मैटर। ठीक है, जोडियाक कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता।
लेट्स सी आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस क्या है. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय पाइसीज. ओके द हाई प्रीस्टेस हियर. आई कैन सी हियर जजमेंट. आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा हार्श हो खुद के ऊपर. मे बी आप थोड़े से पहले शॉर्टकट्स लेने गए, या मे बी आप थोड़े से लेज़ी फील कर रहे थे एंड आप उसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, या खुद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो. दैट मैंने क्यों तब पढ़ाई नहीं किया, या फिर मैंने क्यों तब छुट्टी लिया था एंड मेरा काम अभी बचा हुआ है, मेरा सिलेबस बचा हुआ है, या मुझे ये वो करना ही है. सो आप काइंड ऑफ खुद को ही दोष दे रहे हैं, आप काइंड ऑफ खुद पे ही यू नो प्रेशर डाल रहे हो. ठीक है. बट व्हाट आई रियली फील इज़ कुछ लोगों पे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है आपकी फैमिली से, आपके जॉब से, या आपके घर से, दैट आपको कुछ अचीव करना है, या आपको कुछ करना है, या आपका एग्ज़ाम है. सो आई थिंक नवंबर में पाइसीज आप थोड़े से प्रेशर के अंडर रहोगे, चाहे आपके काम में, आपके घर, यू नो आप पढ़ाई लिखाई या जो भी करते हो, आपका जो करियर या फाइनेंसेस है उसमें आप थोड़ा प्रेशर फील करोगे. ये प्रेशर या तो आपके खुद से अंदर से आ रहा है, या तो कोई और आपको प्रेशराइज फील करा सकता है सिचुएशन में. ऑल्सो आई कैन सी हियर दैट आपको काइंड ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ रहा है नवंबर में, बिकॉज मे बी कुछ महीनों में आपने हार्ड वर्क पुट ऑन नहीं किया था, या आपने जितना टाइम आपको देना चाहिए था आपके करियर फाइनेंसेस में उतना आपने नहीं दिया था, या फिर मे बी आप फ्यूचर लाइक कुछ दिनों के अंदर आप छुट्टी लेना चाहते हो, या आप घूमने जाना चाहते हो. सो कुछ एक है जो आप एडजस्ट कर रहे हो एंड आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए. या तो आप छुट्टी लिए थे इस वजह से, या आप छुट्टी लेने वाले हो उस वजह से. ठीक है, आप चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो एंड आप एक प्रेशर काइंड ऑफ बन रहा है कि मैं चीज़ों को मैं अपने टारगेट्स को कम्प्लीट करूँ, या मैं जल्दी जल्दी काम करूँ, ये वो यू नो दैट इज़ वॉट आई कैन सी नंबर वन. कभी कभी आपको ऐसा स्टक महसूस हो सकता है नवंबर में, दैट आप इतना मेहनत कर रहे हो बट मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या यू नो मोटिवेशन की कमी है, या आपको मन नहीं है. सो काइंड ऑफ एक स्टक एनर्जी आप फील कर सकते हो. आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे मेहनत का क्या, मैं जहाँ पे थी मैं आज भी वहाँ पे ही हूँ, ये मेहनत करके मैं कहीं पे पहुँच नहीं पा रही हूँ, या मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या मुझे बेटर नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, या मेरे जो मार्क्स है वो पहले से बेहतर नहीं हो रहे हैं. सो इतना मेहनत का क्या फायदा, यू नो वो जो सारे फीलिंग्स होता है वो आपको फील हो सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई आल्सो फील हियर. लेट मी सी हियर पाइसेस व्हाट इज़ द ब्रेक थ्रू फॉर दैट. व्हाट इज़ द ब्रेक थ्रू फॉर दैट स्पिरिट. Learn from your past mistakes is something I'm hearing. Yeah, learn from the past. आपने past में कुछ सीखा है definitely. ठीक है. So जब भी आपको motivated ना feel हो, या आपको ऐसा लगे that there is something जो आप miss कर रहे हो, या फिर इस situation में you know that आप कर रहे हो but आप कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे हो, kind of एनर्जी जब आपको फील हो, कोशिश करो एक बार पास्ट में जाके देखने की आपने कुछ ना कुछ सीखा है अपने पास्ट लेसन से, अपने पास्ट करियर एक्सपीरियंस से, वर्क एक्सपीरियंस से, जो आपको उस टाइम पे काम आए जब आप बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि नहीं होता मुझसे और, या फिर बहुत मेहनत वाला काम है. सो लुक इन टू द पास्ट एंड सी फॉर इट. सो ओवरऑल पाइसीज नवंबर विल बी अ मंथ जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप बहुत ही प्रेशर के अंडर आके बहुत कुछ काम कर रहे हो. ठीक है. सो प्रेशर आपको फील नहीं होगा अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, अगर आप अपना माइंड सेट बना लोगे एंड अगर आप प्रोडक्टिव रहोगे, जल्दी से जल्दी काम निपटाओगे. बट हाँ, जो लोग थोड़े से लेजी किस्म के हो, या जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, उन लोगों के लिए आप थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें, यू नो आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा. ओके.
सो दैट इज़ वॉट आई ओवरऑल हैव फॉर यू पाइसीज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रीडिंग रेजोनेट करेगा. सो अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.